दोस्तों आज एक फंडा लेकर आया हूं मैं, लेफ्ट और राइट का। मतलब कैसे पहचानेंगे कि दायां लेफ्ट है या राइट है, या फिर बायां लेफ्ट है या राइट है। क्योंकि ये परेशानी मेरे साथ बड़ी होती थी। कोई भी मुझे कहता था कि भाई साहब दाएं मुड़ जाना। अब दायां उससे पूछते हुए अच्छा लगता नहीं, क्योंकि पढ़ाई हमारी सारी इंग्लिश में होती है, हमें हिंदी का ज़्यादा पता नहीं होता। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो लेकिन अब मैं उससे पूछना अच्छा नहीं लगता। तब मुझे बड़ा बहुत मुझे मतलब कन्फ्यूजन होता था कि क्या करूं, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, क्या है ये। फिर मैंने एक दिन फंडा निकाला कि भाई लेफ्ट को ऐसे याद करेंगे, राइट को ऐसे याद करेंगे। और आपको अगर ये फंडा याद अच्छा लगे, फंडा आपको पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और औरों तक भी इस फंडे को भेजना। पहले हम फंडा देखते हैं दोस्तों लेफ्ट का। लेफ्ट का फंडा क्या है कि लेफ्ट के लिए मैंने क्या किया, मैंने हमारी किताब थी एक बी एल थरेजा मेरी किताब थी, उसका मैंने शुरू के दो अक्षर उठा दिए, बी से बायां, एल से लेफ्ट, बायां लेफ्ट। तो जब भी कोई मुझे बोलता है कि बाएं जाना है, तो मैं सिर्फ बी एल थरेजा याद करता हूँ। तो बायां बी, एल से लेफ्ट, बायां लेफ्ट, ठीक है जी, बायां बोलिया तो लेफ्ट आना है। ये किताब हमने पढ़ी है, शायद आपने कोई और किताब पढ़ी हो, लेकिन उसमें बी और एल आना चाहिए। आपने शायद कोई और किताब पढ़ी हो, तो आप उस किताब से इसका फंडा बना सकते हैं। ऐसा ही राइट, राइट का भी मैंने फंडा बनाया। राइट के फंडे के लिए तो मैंने किताब निकाली आरडी शर्मा, ये तो आप सबने पढ़ी होगी, मैथ्स मैथ्स की किताब है। इसके लिए भी सबसे आसान, आर से राइट, डी से दायां, तो राइट दायां, दायां राइट। तो मुझे कोई भी जब कहता है ना कि लेफ्ट बायां दायां जाना, तो मैं दोनों किताबों के नाम पर मैंने सोच लेता हूँ। सोचते ही पता चल जाता है कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या फिर किसी को बताना है तो मैं उसे लेफ्ट बताऊं या राइट बताऊं या दायां बताऊं या बायां बताऊं। तो ये जो फंडा था, ये मैंने अपने हिसाब से ढाला। जो बुक्स मेरे को याद रहती हैं, जो चीज़ें मुझे याद रहती है, मैंने उसके हिसाब से इस फंडे को बनाया। जो किताब आपको याद रहती हो, जो आप याद कर सकते हो, या फिर जो एकदम जबान पर चढ़ी होती है किताब, जिसमें बी और एल आता हो और आर और डी आता हो, आप उसको बना सकते हैं। कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना कमेंट में। धन्यवाद।